Assalamualaikum. Come down class 4. इसका first monthly का first chapter था, chapter 1, numbers and arithmetic operations, जिसके हमने question number 4, 5, 6, 7, 8, 9 पढ़ लिए थे. अब हम आते हैं समझ लिए थे. Sorry, अब हम आते हैं question number 10 की तरफ. Question number 10 है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास. क्या है? राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब इनको एक्सपेंड करके लिखना है, स्पेंड करके लिखना है इनको. सो हम किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे? फर्स्ट ए हमारे पास क्या है? 7200017. इसको एक्सपेंड करना है, फैलाना है. इसको किस तरीके से फैलाना है अब हम देखें, मतलब इसको टुकड़ों में तोड़ के बताना है अब. सो हमारे पास यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 10 मिलियन. सो हम देख लेंगे 7 क्या है हमारे पास, मिलियन आ रहा है. सो 7 6 0 किसके होते हैं? मिलियन के. 7 के 6 0 लगाए तो हमें मिल गए ये मिलियन. 20,000 प्लस 1000 के जीरो आ रहे हैं, 1000 प्लस 100 प्लस 7. किस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया? हमने इसको टुकड़ों में तोड़ दिया. अब हम जैसे इसको बी देख लेते हैं, इसका बी क्या है? 8315320 6. 8,000 83 million. ये 83 million होगा. देखिए दो नंबर साथ दिए हुए ना, तो ये मतलब 83 million है. लेकिन हमें दोनों का अलग अलग करना है, एक्सपेंड करना है, तो हर वर्ड को अलग ही लिखें. 3 million 83 million हो गया. अब 1,053,000 प्लस 20 प्लस 6. इस तरीके से हमने इनको एक्सपेंड कर दिया. आगे के दो क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 11 ये आप बुक में भी करेंगे और कॉपी में भी करेंगे. तो मैं आपको बुक में ही सॉल्व करके बता रही हूँ कि प्रॉपर बुक में दिया हुआ है, मैं आपको बुक में ही सॉल्व करके बता देती हूँ. देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर एंड लेस देन. ग्रेटर एंड लेस देन का साइन बताना है, साइन लगा के बताना है. ग्रेटर एंड लेस देन, ग्रेटर एंड लेस देन कैसे बताएंगे? देखिए 6, 9, 8, 4, 5, 2, 9. 6 और इजिकल टू मतलब कि दोनों नंबर्स बराबर हैं, लेस देन है या ग्रेटर देन है. 6, 8, 9, 4, 5, 2, 9. देखिए 6, 9, 8 है, 6, 89 मतलब ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, तो साइन लगा के बता देंगे ये नंबर ग्रेटर देन दिस नंबर. इस तरीके से चेंज करेंगे 4, 5, 800 and 100. 4, 5, 800, 10 and 100. देखिए ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, सो लेस देन का साइन लगा देंगे. ये नंबर लेस देन दिस नंबर. सो देखिए 5, 3, 5, 9, 4, 1, 2, 0, 2, 5, 3, 5, 9, 4, 1, 2, 1, 2, 5. देखिए ये नंबर इस नंबर से, इसमें 25 है, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो हम
लेस देन का साइन लगा देंगे, ये नंबर छोटा है इस नंबर से, 6800 125 6800, देखिए दोनों नंबर इक्वल है, सो हम इज इक्वल टू का साइन लगा देंगे कि दोनों नंबर बराबर है। 100 985 6 2 6 18 99 985 265, ये बड़ा नंबर है इस नंबर से, तो ग्रेटर देन का साइन लगा के बता देंगे ये नंबर बड़ा है इस नंबर से। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होता है, इसको आप कॉपी में भी सॉल्व करेंगे और बुक में भी। सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, राइट नंबर्स दैट मैच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मतलब नंबर्स बताने, पहले हमें देखे इन्होंने नंबर्स दिए थे जिसको हमें एक्सपेंड करना था, अब हमें उन्हें एक्सपेंड करके बताने, अब हमें इनको कंबाइन करके लिखने हैं। सो फर्स्ट हमारे पास क्या है, 6,900,000 + 20,000 92 9,20,000 5,000 +20 +7, इसको हम देख लेते हैं इस तरीके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 27, इस तरीके से हमने इन एक्सपेंड फॉर्म को कंबाइन करके लिख दिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी तरह इसका बी पार्ट भी होगा और सी पार्ट भी, वो आप लोग खुद करेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में अरेंज द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे की तरफ आना, सो हम देख लेते हैं 4 5 2 9 8 6 53 4 5 2 88 6 53 4 5 3 0 8 6 53। अब हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, मतलब बड़े से छोटे नंबर की तरफ लाना है, तो बड़े से छोटे नंबर की तरफ कैसे लाएंगे, अब हम देख लेते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दें। देखिए बड़े नंबर कौन सा है, 4 5 29, देखिए 28, अब स्टार्टिंग के नंबर देख लिए, एंड के नंबर, स्टार्टिंग के नंबर देखिए 4 5 3 0, देखिए बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास, 4 5 3 0, बड़े से छोटे की तरफ आते हैं यहाँ पे। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, तो हम बड़े से छोटे की तरफ आ जाते हैं, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ आते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ आते हैं, तो हम असेंडिंग छोटे से, छोटा नंबर कौन सा हमारे पास, देखिए 4 5 20 29 28 30 28 छोटा नंबर होता है, 4 5 28 8 6 53 देन 29 4 5 29 8 6 53 देन 4 5 3 0 8 6 53, इस तरीके से इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन है, वो आप खुद ही सॉल्व करेंगे क्योंकि मैं रिवीजन में भी आपको असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर समझा चुकी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं, 14 में क्या है, 14 में डिसेंडिंग ऑर्डर है, 14 में डिसेंडिंग ऑर्डर है, 13 में अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में, देन 14 में अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेंडिंग ऑर्डर में कैसे, 6 9 2 4 5 8 23,
असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे की डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे की तरफ आना, बड़े से छोटे की तरफ आना, बड़े से छोटे की तरफ आना। अब देख लेते हैं बड़े में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है भाई? 6924, 6964, 6905, 690। सबसे बड़े नंबर हमारे पास से 6 हमारे पास है, सबसे बड़ा नंबर 696। तो हम लिख देंगे 6964582 3। देन हमारे पास बड़ा नंबर कौन सा है? 6924, 6924, 5823। देन 6904, 5825। सो ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब अरेंज कर दिया बड़े से छोटे की तरफ आना। सो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।